एट द फॉलोइंग फ्रैक्शन हमें आज क्या सीखेंगे, हम फ्रैक्शन का ऐड करना सीखेंगे। हमारे पास क्या फ्रैक्शन है, 2 1/2 प्लस 3 1/4 और माइनस 1 1/8। तो पहले तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, हमको इसको किसमें करना, सिंपल फ्रैक्शन में करना है। तो सिंपल में करने के लिए क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है और ये क्या हो जाता है प्लस। तो 2 2 4 1 5, तो 5/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 3 12 और 1 12 1 13, तो ये क्या हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा। माइनस 8 1 8 1 9 9/8, ये हमारा हो गया। अब इनका एलसीएम लेंगे, किसका, 2 4 8 का एलसीएम लेंगे। तो 2 1 2 2 2 4 और 2 4 8, फिर 2 से देंगे, ठीक है, 2 ये 1 है, 2 1 2 और 2 2 4, फिर 2 से 2। अब एलसीएम 2 2 4 4 2 8। अब हम सबका तीनों का एलसीएम कितना निकालेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लिया हमारा 8 आ गया। 2 का 8 के साथ क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। 2 का टेबल अगर 8 तक बोलेंगे तो 4 टाइम जा रहा है, 2 4 8, पहले वाले फ्रैक्शन से हम कर रहे हैं, वो इंटू होता है न्यूमिनेटर, इंटू कितना था 5। अब ये प्लस का साइन है तो आपने हम यहाँ पे प्लस लगा देना, ठीक है। अब इस 4 का टेबल बोलना मुझे 8 तक, डिनोमिनेटर के हमें इसके साथ डिवाइड करते हैं, तो 8 तक मतलब 2 टाइम जाएगा, और इंटू 13, इंटू ये 13, ये माइनस का साइन है तो माइनस। 8 के हम टेबल बोलेंगे 8 तक, 8 बन जाए 8 इंटू 9, इतना ठीक है। अब हमारा इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20 हो जाएगा, प्लस 13 2 26 और माइनस 9 1 9/8। अब पहले इसको प्लस कर दो, 20 और 26, 6 का क्या रहेगा, 6 और 2 2 4 और माइनस 9 अपॉन 8। अब आप इसको माइनस करते हैं, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ बचा 3 अपॉन 8, तो ये हमारा आंसर। आप अगर मिक्स में करना है तो आपको 37 को क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा, 8 4 से कितना होता, 32 होता, तो हमारा 5। अब देखो ये कैसे लिखा जाता है, हमारा 8 तो ये नीचे रहेगा और जो हमारा क्या होगा रिमाइंडर वो ऊपर चला जाता है, और ये 4 यहाँ, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आ गया।